दी जाती तेरा कुत्ता क्यों ले रखा कुत्ता क्यों रख रखा है अबे दे पशुपालन भाई आखिर में हमारी सबसे तेज टीम हमारी थी, बाकी सब का भी वायरल करवा दो ताकि हम भी अपना चैनल इससे ग्रो करवा सकें। जब उन्होंने बता दिया सकते पलायन, उन्हें तो यहीं रहना पड़ता है। तो भाई अभी रिंगोड़ा गांव में आए थे, जिसके पास आमदनी नहीं, उन्हें तो नहीं रहना। तो पांच पांच बच्चों के रूप में ये ग्रुप डिवाइड कर दिया सर ने, जिसमें मेरे साथ आ रखा है, मैं हूँ, विनय सैनी है, अंग्रेज है, विकास है, और अपना रोहित भाई और विनय भाई भी है। यूट्यूबर है, सबके 1 मिलियन क्रॉस है। एवरीवन इज अ पॉपुलर गाय हियर। सो इधर मैं बता दूं, यहाँ पे एक फील्ड बना हुआ है, इसके अंदर एक फूलतान नाम की जगह है, वो भी बहुत अपने आप में जगह है। देखो भाई सामने गाँव दिखने लग गए, वहाँ पे चलते हैं, सर्वे से रिलेटेड बातचीत करते हैं और पहले गाँव का सर्वेक्षण करें, गांव में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, चिकित्सा है या फिर और चीजें नहीं है, उससे रिलेटेड बातचीत करते हैं। और अंग्रेज भाई, मुझे लगता है कि आप हमारा एक सपोर्ट, ये भाई जो है इनका नाम अंग्रेज है, तो मैं इनसे बोल रहा हूँ करके कि आप हमारा सपोर्ट करें, वीडियो बनाइए हमारी, मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ विलेजर्स से, करेंगे। गांव में यहाँ पे सर्वे करने आ रखे हैं और देख लो चिलचिलाती भी गर्मी है, असीना पसीना हो रखे हैं। फिलहाल 5 बच्चे मैंने बता दिया तुम्हें, ये हमारा सर्वेक्षण लेटर है जिसके ऊपर हम गांव वालों से पूछेंगे डिटेल्स उसके बारे में, और यहाँ पे भरेंगे गांव वाले क्या आंसर देते हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या नहीं है समस्या, और किस जियोग्राफिकल लोकेशन पे बना हुआ है, सब चीज़ें आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। आ जाओ, गांव वालों की क्रिएटिविटी इतनी अमेजिंग है कि उन्होंने अपने घर में भी एक टाइगर की इमेज बना रखी है सामने, देखो बहुत सुंदर। उसे छोड़ो उज्ज्वल, उधर देख, सबसे मेन क्रिएटिविटी भाई वो देखो, सोलर पैनल। हर घर में नहीं, डॉग्स हैं, यहाँ डॉग्स हैं, घर में कोई बड़े हैं वो देना एक कॉपी नीचे से रखने के लिए, ये लो बोल भाई, ये ले ये सर्वे करना, हम पॉलिसी तरफ से आ रखे हैं सर्वे करने के लिए। आप आपके 2 मिनट लगेंगे बस, मैं भी इधर आ गया, तो भरी मैं कोई क्वेश्चन पांच सदस्य तो बच्चों की संख्या 5 है, क्या क्या नाम है उनका बता सकते हैं? राजीव, राजीव 36 साल। इधर अभी भैया उज्जवल भाई कैसा लग रहा है? उज्जवल भाई एक्सपीरियंस बताओ अंकल सुनने के बाद। मैंने इससे बोला है, आवाज मेरी थी भाई। अरे ना दाढ़ी धरी है यार, दाढ़ी धरी अंकल ही बन जाएंगे, वो बेचारी नादान है। उधर है घर, उधर है घर, और बातें कर ले बेटे, बैठ के होता है काम। तो गाइस व्लॉगिंग के जुनून में कुछ ऐसा हो गया, हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था और उज्जवल जो है वह पहले उठ के भाग गया यार। भाई कर तो मतलब कुछ भी, किसी और के घर में जाने के लिए कुछ भी नहीं, ऐसा हो रहा नहीं विकास, कुछ गर्मी का और एक शाउट आउट मिलता है विकास भाई को, हमारा कैमरा मैन था, तू दिक भी नहीं रहा, देख कितनी गंदी किस्मत है तेरी, फोन पे कर देना, काला हो गया ये अपने रोहित भाई, फोन पे कर देना, फोन पे भाई गलत हो गया, क्या हुआ क्या हुआ? हाँ इसका आज का हम इसको जो पैसे हैं वो फोन पे में कर देंगे, हमारी आज की दिहाड़ी। कैमरामैन बना था ना हमारा, देख रहे हो कैसे यार दोस्त पाले हम, सांप पाला था मैं, सांप जाती कुत्ता क्यों ले रखा, कुत्ता क्यों रख रखा है? अबे यहाँ पूछ रखा यार पशु की, पशु पाले, अबे दे पशु पाले कैमरा बंद कर।
पशुपालन का लिख रखा है इधर, मैंने बोला एक आध क्वेश्चन याद करके, याद है क्वेश्चन पूछ लिया वो अब मैं तो भाई सब पूछना था इतनी देर में, गर्मी में दूसरे को भी परेशान नहीं करना होता, इरिटेट होती ब्रो। मैं कह रहा था वहां बैठ जाओ। नहीं नहीं अब वहां पे जाके, अरे हो तो गया, तुम शांति दिमाग से बैठो, शांति दिमाग से बैठो, बैठो इधर आओ बात करते हैं। तुम बैठो वहां से, जो नीचे जाके फोटो खींच ली यार। मैं हो गया ना, चलते हैं। ठीक है आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहते हैं आपकी समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द। हम कोशिश कर रहे हैं, बच्चे पढ़ने से बिल्कुल बेकार हो गए हैं, और न ही रिंगौड़ा में स्कूल अच्छा है। आंटी जी बता रही है रिंगौड़ा में स्कूल की सबसे बड़ी समस्या, एक पंचायत घर में बच्चे रहते हैं, वो भी मेन रोड पे है, तो हमें भी टेंशन रहती है बच्चे कभी रोड पे आ जाए कभी क्या आ जाए। तो हाँ, वो मेन हाईवे चलता है यहाँ पे, बाहर की गाड़ियाँ चलती है बड़ी बुरी तरीके से। और दूसरे भी पंचायत घर है, तो स्कूल भी, स्कूल का टाइप का पता भी नहीं चला। आप देख रहे होंगे रिंगौड़ा में कोई दिख रहा है स्कूल जैसा, दिखता भी नहीं दिखता स्कूल है करके, क्योंकि बच्चे आधे अनपढ़ ऐसे भी रह गए क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हाँ वही एक से लेके पाँच तक है स्कूल, वो तो बच्चे भी कम ही है, 13-14 बच्चे हैं, मगर क्या करें बच्चे होके क्या करना है, स्कूल अच्छा नहीं है तो तब लोगों ने बच्चे अपने बाहर डाल दिए। सब गांव का यही समस्या है, अच्छा स्कूल होता तो सब लोग गांव में, सब गांव में रहते, नहीं तो लोग पलायन कर जाते हैं गांव से, समस्या यही है वो बाहर चले जा रहा है। तो भाई उत्तराखंड सरकार को इस ध्यान पे रखना चाहिए करके, कि लोग बोल रहे हैं ना पलायन क्यों जा रहा है, पलायन इसलिए जा रहा है क्योंकि शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सड़कें नहीं है, लाइट नहीं है, टॉयलेट बाथरूम की सुविधाएं नहीं है। हाँ। सरकार वैसे दे तो रही थी आप लोगों को, नहीं हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं आ रही, हमारे गांव में सिर्फ एक हेडपंप वन विभाग का ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है, पानी चलता है जो वही सुविधा आ रही है, और बाकी कुछ नहीं आ रहा है। ये सौर ऊर्जा दे रखा है, ये मोदी जी ने दे रखे थे, वही आ रहा है और बाकी कुछ नहीं आ रहा है। और जब जंगलात में आते तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहते जंगलात वाले या कॉर्बेट वाले, बोलते रहते हैं जंगलात वाले, कभी जंगलात आते हैं कभी टाइगर वाले आते हैं, आते रहते हैं वैसे तो, मगर सुविधा कुछ नहीं ला रहे हैं कुछ नहीं। हमारे मेन हाईवे रोड पे है, सुविधा कुछ नहीं है, नाम का हाईवे रोड है बाकी कुछ सुविधा नहीं है। परेशानी हर हर गांव में ये परेशानी है। हाँ, हमारे वहाँ तो ज्यादा लाइट और पानी और बच्चे। चलो वीडियो बन गई आपकी, कहीं जाएगी तो आपकी मदद पहुँचेगी ना कोई। रिंगौड़ा गांव की बहुत बड़ी समस्या हो रही है इस टाइम पे, और भाई हर गांव की यही समस्या है यार, ना स्वास्थ्य है ना शिक्षा है और ना ही सड़कें हैं और टॉयलेट बाथरूम में तो बता रहे हैं टॉयलेट बाथरूम तक नहीं मिला। पर्यटन से ठीक अच्छी खास में आमदनी करता है हमारा राज्य, यहाँ पर मेन रोड है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से टूरिस्ट आते हैं रोज, बहुत बड़ी संख्या में जो टूरिज्म है यहाँ से कॉर्बेट तो जाते हैं, लेकिन और इससे रोड के अनुसार तो इनका विकास होना चाहिए था। यही है भाई पलायन का सबसे बड़ा कारण, हम यहाँ पर आए तो हमें ग्राउंड रिपोर्ट मिली और गांव की तरफ नशा ज्यादा बढ़ते जा रहा है। भाई मैं तुम्हें पहले से ये इन्फॉर्म कर रहा था, आंटी बहुत ज्यादा परेशान थी, वो हमें अपनी समस्या बता रही थी। फिलहाल हमारा सर्वे भी हो गया, हमने उनसे बैठ के बातचीत कर ली थी, कुछ क्वेश्चन हम पूछ नहीं पाए थे जल्दी में, गर्मी भी हो रही थी, फिर हमने उन्हें बाहर ही बुला लिया और हमने बोला यार इस चीज़ के बारे में बता देते हैं, और फाइनली अपना हो गया सर्वे जो करना था हमने। पाँच बच्चों का ग्रुप था, पाँचों का सर्वे बन गया है, चलते हैं आर्ट गैलरी घूमते हैं दीप रजवार जी की। कुछ करता है अरे सब गांव का यही हाल है, हर कोई संतुष्ट नहीं, ग्राम पंचायत वो रख लिया ना। फाइनली रोड पे पहुंच गए हम, चलो हाँ हाँ भर लेंगे, साइड हो जा भाई। आखिर में हमारी सबसे तेज टीम हमारी थी, बाकी सबका भी हुआ ही नहीं, आधे घंटे से ऊपर हो गया। विनय भाई को बिग शाउट आउट, अपने विकास भाई को शाउट आउट, रोहित भाई को शाउट आउट, मतलब हम सब मतलब सबका ऐसा था ना, वायरल करवा दो ताकि हम भी अपना चैनल इससे ग्रो करवा सकते। कॉलेज के 12,000 नहीं लेंगे। हाँ तो ये हो रखा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वायरल जाए नहीं जाए, लेकिन हमारा काम हो गया, हम इस चीज की खुशी है। अरे सामने एक मंदिर है, मंदिर दिखाते हैं अपनी टीम। हाँ कोई नहीं आ जाओ ज्वाइन कर लो, मैंने अपना नाम पे नहीं रखा अपना चैनल, मेरा स्कटल बट ऑफ पहाड़ी करके है, तो कोई भी आ सकता है, अपनी बनाओ डाल लो हमारे चैनल में, तुम्हारे चैनल से तुम्हारी वीडियो से जितना रेवेन्यू आएगा तुम्हें मिलेगा। भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, कोई जानता है इसके बारे में? सर बुला रहे हैं, प्रणब और बाकी सब कहाँ हैं? आप तो हो गया आंटी, नमस्कार। प्रणब और बाकी सब कहाँ हैं? यहाँ से ही रास्ता यही आने का अंदर। सर क्या बन रहा यार, फोटो सेशन के लिए बढ़िया चीज है। अंग्रेज भाई तो आ गया, अंग्रेज अपना अंग्रेज आ गया, एक शाउट आउट अंग्रेज भाई को भी, पानी भर के ला रहे हैं। हाँ खतरों के खिलाड़ी वाली फीलिंग आ रही है यार, रोहित भाई तुमने सही पकड़ा, टायर है यहाँ पर। अंग्रेज भाई यार तुम तो यार कतई खतरनाक आदमी हो, ने हमें इंडिविजुअली एक टास्क दे दिया, हमारी टीम सबसे पहले आ गई थी कि सबको ढूंढ के लाओ और चलो यहाँ से रास्ता आ जाओ, तो अब सबको बुलाने हमें जाना पड़ रहा है, तो हमारे साथ ही ऐसा होता है हमेशा। देखते हैं भाई कहाँ पे फिलहाल बच्चे लोग। भाई आम का पेड़ है और इसके नीचे आके इतनी ठंडक महसूस हो रही है मैं बता नहीं सकता।
सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नेटवर्क तो आ रहे हैं लेकिन कॉल नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों क्या दिक्कत आ रही है कॉल में। सो इस कारण हम ऐसे ही इंडिविजुअली भटक रहे हैं इधर उधर। देखो अब कब तक होता है भाई, क्या सीन है। अरे प्रणब सर बुला रहे हैं, आ जाओ, टाइम्स अप। जिम जा दो ना, कुछ आगे नहीं आएगा खोल लो यार। ना ना जिम जाने से पहले खाया करो ना, तो ये फ्री कर पा गया। वही भाई ने कर दिया जिम शुरू, बस 6 महीने रुक जा, मेरी बॉडी बनने वाली है, बनने वाली है। ईमान ईमान तो था। एक से एक कॉटेज बना रखे हैं टूरिस्टों के लिए रुकने के लिए। आज मैं पहली बार यहाँ पे, मतलब वैसे तो आता रहता हूँ, पहली बार ग्राउंड लेवल पे उतर के यहाँ पे की वीडियो बना रहा हूँ। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। ऐसा विकास तो हो गया है यहाँ का, लेकिन दिक्कत यही है, ऐसा विकास तो हो गया है यहाँ का। नहीं नहीं इसकी बहुत कमी है इधर। इसका नाम विकास है ना। लंडर वाले रेस्टोरेंट से, लंडर वाले एक निकाल के दे दो यार, निकल ले रहा हूँ। लंडर वाले रेस्टोरेंट बन सकते, लंडर वाले घर के कहाँ बने लेंटर वाले रेस्टोरेंट? प्रणब भाई हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वेरी नाइस। नदी नाले पता नहीं कहाँ का घुस घुस के आ रहे हम। ये देखो तुम्हारा मोबाइल कैसा बैंगनी बैंगनी चमक रहा है। अभी हम जा नहीं रहे, सर बताएंगे ना तो अपना वो एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहेगा। तो जिसने मेहनत करी है ना, अभी तो बताएं, नहीं नहीं जिसने मेहनत करी है वो बताएगा, दर्शाएगा तो मजा आएगा। तो सर ने भेजा था ना मुझे, उनकी परमिशन से गया था, कुछ देखा नहीं था, लेकिन बहुत अंदर ना एक से एक इमेजेस है भाई, मैं मान गया। इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं वो, लेकिन इनको लाइव देखना ना फ्रेम करा हुआ, तो भाई एक नंबर एक्सपीरियंस है।